बुधवार को मत्स्य उत्सव अलवर का आगाज हुआ। सुबह जगन्नाथ मंदिर में हुई आरती से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सहित अन्य अधिकारी भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और वहां महा आरती में शामिल हुए। अलवर के मत्स्य महोत्सव का शुभारंभ परंपरा के अनुसार जगन्नाथ जी मंदिर की महाआरती से प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी अलवर के मत्स्य महोत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। मैं आप लोगों के माध्यम से अलवर ज़िले के और राज्य के अन्य निवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि परंपरा के अनुसार अलवर का मत्स्य महोत्सव 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। इसमें कवि सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम और यहाँ बहुत ही अच्छे संगीतकार सलमान सलमान अली जी और उनकी टीम को बुलाया जा रहा है। उसके बाद फतेहजंग गुंबद में मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया व एसपी तेजस्विनी गौतम भी यहां मौजूद रहे। एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने मंत्री का बुके भेंट कर स्वागत किया। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक टीना यादव व प्रतिभा यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने आकर्षक रंगोलियां बनाकर सबका मन मोह लिया। जगन्नाथ जी की आरती से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इसके अंदर काफी इवेंट्स इस प्रकार की रखी गई हैं, जिसमें आम लोगों को भी उसको देखने का मौका मिले, प्रतिभा जो हमारी यहाँ की हैं उनको आगे आने का मौका मिले और खास तौर से सलमान अली नाइट भी यहाँ पे कराई जा रही है, जो एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के हमारे सितारे हैं। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अलवर के अंदर टूरिज्म की असीम संभावनाएं, असीम, हम जितना बढ़ा सकते हैं, हम उसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि टूरिज्म का जो सेक्टर है, जो सर्किट है, वो अलवर के अंदर हम विकसित करें। दिल्ली के हम नज़दीक हैं, एनसीआर के अंदर हम आते हैं। सरिस्का जैसा नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान है। यहाँ पहाड़ है, नदियाँ हैं, किले हैं, धोरे हैं, सब चीज़ें हमारे अलवर के अंदर हैं। इस चीज़ का फ़ायदा हमें लेना चाहिए। मैं आमजन से भी अपील करूंगा और हम और हमारे पूरे अधिकारीगण सब लोग मिलकर इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हम अलवर को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएं।